हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधार कार्ड अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। इस समय हम लोग आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई आधार का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा बुक एन अपॉइंटमेंट का, ठीक है। बुक ऑन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन और नीचे मिल जाएगा प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा मांगेगा। जो मोबाइल नंबर और कैप्चा पहले बुक करने में आपने डाला था वही यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। यहाँ जो कैप्चा पूछेगा कैप्चा को फिल कर लीजिएगा। यहाँ से ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, आपके नंबर का ओटीपी भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप ओटीपी फिल कर लीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने जितने भी अपॉइंटमेंट बुक किए होंगे यहाँ पे आपका सारा शो कर रहा होगा। जिसका भी आपको रीशेड्यूल करना है वहाँ पर आप बुकिंग डिटेल पे क्लिक करके आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्वती नाम से पहले से हमने अपॉइंटमेंट बुक किया था, ठीक है। अब इसका हमको रीशेड्यूल करना है तो यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे जैसे आपको सर्च करना है सेंटर बाई सेंटर से बाई पिन कोड से, या ठीक है जैसे भी आप सर्च करना चाहें यहाँ पे क्लिक। जैसे हम पिन कोड से सर्च कर रहे हैं, ठीक है। पिन कोड फिल करने के बाद डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका नज़दीकी सेंटर होगा वहाँ पे आपका शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक शो कर रहा है। यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम जिस तारीख का शो कर रहे थे फरवरी में हमारा है नहीं, तो मार्च में चलते हैं तो मार्च में हमारा 7 तारीख को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा होगा कितने टाइम पर आपको बुकिंग लेना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे टाइमिंग पे। टाइमिंग पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल है कि आप पेमेंट आपको सेंटर पे करना है, पे सेंटर यहाँ पे पहले से क्लिक है। यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म रिसिप्ट खुल कर आ जाएगा और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा।